शहर के उदयपुर रोड वार्ड संख्या 46 स्थित शिवनगर रावत कॉलोनी के बाशिंदे मूलभूत सुविधाओं के अभाव के कारण परेशान हैं। क्षेत्र में पानी निकासी के लिए नालियां नहीं होने के कारण घरों से निकलने वाला सारा का सारा पानी घरों के बाहर भरा रहता है, जिसके कारण क्षेत्र में मच्छर पनप रहे हैं। साथ ही क्षेत्र में पक्की सड़क भी नहीं होने के कारण आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मंगलवार को क्षेत्रवासियों नगर परिषद प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान क्षेत्रवासियों ने पार्षद तथा नगर परिषद हाई हाई के नारे लगाए। क्षेत्रवासी महिलाओं तथा पुरुषों ने बताया कि वार्ड की अन्य कॉलोनियों में पार्षद तथा नगर परिषद ने सड़कें तथा नालियों का निर्माण करवा दिया गया, लेकिन बार बार आग्रह करने के बाद भी पार्षद तथा नगर परिषद प्रशासन की ओर से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि यहां पर पानी निकासी के लिए नालियां नहीं होने के कारण सारा पानी क्षेत्र की सड़कों पर भरा रहता है, जिसके कारण यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों तथा राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही सड़कों तथा रास्ते के किनारे भरे पानी में मच्छर आदि पनप रहे हैं, जिससे बच्चे तथा बुजुर्ग बीमार हो रहे हैं। विरोध प्रदर्शन कर रहे क्षेत्रवासियों ने नगर परिषद प्रशासन से क्षेत्र में नालियों का निर्माण करवाने की मांग की है। विरोध प्रदर्शन के दौरान भगवान सिंह, सुरेंद्र सिंह रावत, मिट्टू सिंह, बद्री सिंह, धीरज प्रजापति, शांति देवी रावत, आशा तंवर, गौरी देवी, मंजू देवी, डाली देवी सेन, भावना देवी, चंद्रमा प्रजापति, नैनी देवी, लाली देवी, सुशीला देवी, ममता देवी, लक्ष्मी देवी, निर्मा देवी, चंद्रमा देवी, गंवरी बाई, कंचन कंवर चौहान तथा भगवती देवी रावत आदि शामिल थी। इस संदर्भ में वार्ड पार्षद शांति देवी रावत ने बताया कि रावत नगर के लिए नगर परिषद में सड़क तथा नाली निर्माण हेतु तखमीना दिया गया है। स्वीकृति मिलते ही प्राथमिकता के आधार पर नाली तथा सड़क निर्माण कार्य शुरू करवा दिया जाएगा। रोज आए दिन लड़ाई होती है, गंदगी होती है, मच्छर होते हैं, हमारे बच्चे बीमार होते हैं, और हम यही चाहते ना आज तक कोई आके कभी यहाँ चेक नहीं करते हैं कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, क्या है क्या नहीं है। रोज पानी के लिए लड़ाई होती है, रोज कोई कहता हमारा पानी यहाँ आ रहा, गंदगी इकट्ठी हो रही है, वो हो रही है। इससे तो बेस्ट है, हम तो यही कहेंगे कि रोड बनाए, नाली बनाए और पानी की व्यवस्था करें। हम वार्ड नंबर 46 के हैं। हमारे यहाँ वार्ड नंबर 46 में सभी जगह रोडें बनाई गई, लेकिन हमारे यहाँ कोई रोड की कोई हमारे पार्षद ने कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ ना रोड की व्यवस्था है, ना नाली की है। आए दिन यहाँ पर बच्चे गिरते रहते हैं, कोई बूढ़े गिरते रहते हैं, पूरा पानी से अटा रहता है। ना नाली है, ना रोड की सुविधा है। पार्षद के पास में हमने ऑनलाइन भी शिकायत कर रखी है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारे पार्षद श्रीमती शांति देवी है, उनका हमारे इस वार्ड का बिल्कुल नगण्य ध्यान है। बिल्कुल उन्होंने आके ये भी नहीं पूछा भी तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है। ऐसे हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे कॉलोनी में रोड का निर्माण करवावे, नालियों का निर्माण करवावे, नालियों की और वो रोड की समस्या है जो आगे लिखित में दे रखी हूँ, और पास हो जाएगी तो काम करवा देंगे। सभापति को बोल रखा हूँ और आए सब नया आए हैं अभी, और जल्दी नाली का रोड का काम करवाऊंगी मैं। ब्यावर शहर में राजस्थान का पहला विश्व स्तरीय अमेरिका, जापान, जर्मन की मशीनों द्वारा आंखों की जांच, मोतियाबिंद के ऑपरेशन डॉक्टर मौर्य आंखों के अस्पताल में किए जाते हैं। जर्मन की लेजर मशीन से आंखों के लेंस की सफाई एवं काला पानी की जांच की जाती है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन एल्पिस माइक्रोफेको तकनीक द्वारा बिना चीरा, बिना टांका, बिना सुई के ट्रॉपिकल से फोर्डेबल, मोनोफोकल से मल्टीफोकल एवं टॉरिक लेंस प्रत्यारोपित किए जाते हैं। मिलने का स्थान ओपीडी सोमवार से शनिवार सुबह 9:30 बजे से 1 बजे तक। तो पता नोट कीजिए, डॉक्टर मौर्य आंखों का अस्पताल मोतियाबिंद स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। डॉक्टर मौर्य आंखों का अस्पताल अजगर बाबा थान के पास सेंद्रा रोड ब्यावर। डॉक्टर मौर्य एमएस फेको सर्जन, 9 गोकुल नगर कटारिया कॉलोनी के पास गणेशपुरा रोड ब्यावर। मोबाइल नंबर 94142 64461।